हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन बारिश चारधाम यात्रियों की राह में रोड़ा बनती दिख रही है। बारिश का आलम यह है कि रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ एक घंटे ही चली। बारिश के चलते जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जगह जगह यात्रियों को रोका गया। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों से जहां पर हैं वहीं रहने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने को कहा है। सोमवार को बारिश के चलते केदारनाथ में भी 3200 यात्री रोके गए। खराब मौसम के चलते केदारनाथ से नीचे के लिए किसी यात्री को जाने की अनुमति नहीं दी गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सोनप्रयाग से केदारनाथ तक सुरक्षा बलों को मुस्तैद किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने बताया कि बारिश के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखकर यात्रा को रोका गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यात्रियों से जहां पर मौजूद है वहीं पर रहने की अपील की है। पुलिस उपाधीक्षक घिल्डियाल ने यात्रियों से कहा कि जिन यात्रियों ने कमरे बुक नहीं कराए हैं उन्हें रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि के बीच होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, धर्मशाला में भेजा जा रहा है। साथ ही जिन यात्रियों के कमरे बुक कर रखे हैं उन्हें अगले आदेश तक अपने कमरों में ही रुकने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।